الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم وشاب النشا في عبادة ربي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما امين. قابل احترام علماء کرام, معزز سامعین حضرات, اسلامی بزرگوں, نوجوان دوستوں, پیارے بچوں اور پردہ نشین میری بہت بہت اچانک یہ آنند فانند پروگرام رچایا گیا اور اتنے شاندار منظم طریقے سے اس پروگرام کو رچانے والے کو میں بات پیش کرتا ہوں, خاص کر کے یہاں کے نوجوان کمیٹی کو کہ ان لوگوں نے کافی محنت کر کے اس پروگرام کو کامیابی تک پہنچایا. اللہ رب العالمین ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جن لوگوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرانے میں کسی بھی طریقے سے یوگدان کیا. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. آمین. کافی دنوں کے بعد آپ کے اس علاقے میں آنے کا موقع ملا ہے. جب سے میری نوکری بہار میں لگی ہے اس کے بعد سے اپنے علاقے میں میں پروگرام بہت کم کرنے لگا ہوں, لیکن جب اپنے علاقے کی بات آتی ہے اور کوئی بھی بندہ فون کرتا ہے تو آپ لوگوں کی محبت میں میں ضرور آتا ہوں. حالانکہ 8 بجے میں چلا نوادا سے, ڈائریکٹ 3.5 گھنٹے مجھے لگے آنے میں اور پہنچا, فریش ہوا, کھانا کھایا اور ڈائریکٹ آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے مجھے جس ٹاپک کی آج مجھے آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ ہے نوجوانوں کا بگاڑ, اسباب اور علاج. کسی بھی قوم یا کسی بھی معاشرہ کو اگر سدھارنا ہو تو اس کے نوجوان نسل کو سدھارنا, اور اگر کسی قوم کو بگاڑنا برباد کرنا ہو
तो उसके नौजवान नस्ल को बिगाड़ देगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी कहा था कि अगर किसी कौम को तबाह बर्बाद करना हो तो उस कौम के ऊपर बम बारूद और नेज़े बरसाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस कौम के नौजवान लड़कों और लड़कियों के अंदर बेहयाई कर दे, उसको बेशर्म बना दे, उसको बेहया बना दे, वो कौम ऑटोमेटिकली मुर्दा हो जाएगी और ऑटोमेटिकली वो कौम तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। आज हमारे माशरे का हाल देखिए, नौजवान तबका इतना बिगड़ा हुआ है, इतना बिगड़ा हुआ है कि शर्म हया की कोई चीज ही नहीं। बिगाड़ लड़कों के अंदर है और लड़कियों के अंदर है। एक दौर था कि लड़कियां बहुत ज्यादा शर्माती थी, आज के दौर में लड़कियां शर्माती नहीं है बल्कि मुकाबला कर रही है, मुकाबला कर रही है। लड़कों के अंदर भी मुकाबला आ गया है, लड़कियों के अंदर मुकाबला आ गया है। आज बाकायदा आपस में बातें होती है, तेरी कितनी मेरी कितनी, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बाकायदा वो लिस्ट बताते हैं और आज आज स्टेटस समझा जाता है जिसके पास ज्यादा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो वो ज्यादा चर्चे में, उस लड़की के पास कितनी गर्लफ्रेंड, उस लड़की के पास इतने बॉयफ्रेंड, उसको अच्छा समझा जाने लगा। आज के दौर में आप समझ सकते हैं इसको, ये बेहयाई है, इंतहा बेहयाई किया है। जिस कौम को बेहयाई और जिस कौम के अंदर बेहयाई पैदा कर दी जाए वह कौम मुर्दा जिंदा नहीं है बल्कि मुर्दा है। अल्लाह क्या भी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कभी मसलुल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीहि वल बैतुल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीहि मसलुल हय्य वल मय्यित। कभी आपने फरमाया था जिस जगह पे नौजवान के अंदर या जिस मजलिस के अंदर अल्लाह का नाम न लिया जाता हो, रब्बुल आलमीन का नाम न लिया जाता हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जाता हो, मसलुल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीहि जो अल्लाह का नाम लेने वाले हो वो जिंदा है और जहाँ पे अल्लाह का नाम लेने वाले नहीं हो वो जिंदा नहीं है बल्कि वो मुर्दा है। मुर्दा वल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीहि मसलुल्लज़ी वल मय्यित उसको मुर्दा करार दिया गया है, वो चल रहा है लेकिन फिर भी मुर्दा है, वो खा रहा फिर भी वो मुर्दा है, अल्लाह का नाम अगर नहीं लेता है बल्कि दुनिया वालों का नाम लेता है तो वो मुर्दा है। मुर्दा जिंदों के अंदर उसका शुमार किया जाता है, समझ रहे हैं। आज हमारे यहां देखिए नौजवान के अंदर देखिए कितनी ज्यादा बिगाड़, मोबाइल उठाओ, रमजान का महीना आया तो मोबाइल के अंदर से गाना डिलीट, भोजपुरी गाना डिलीट, ये डिलीट वो डिलीट वो डिलीट डिलीट और उसके अंदर सुन की आयतों को उसने अपलोड कर दिया, जाने किन मौलवियों अपलोड कर लिया, और रास्ते में चलता तो कुरान की आयत बजाते हुए चलता है, अपने घर के अंदर मोबाइल लगाता और कुरान की तकरीर सुनाता, देखो मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूं। रमजान का महीना ईद का चांद जैसे उसको दिखता है फौरन वो सारी चीजें वो डिलीट करता है और फिर से वो पूरी गानों का अपलोड करता है और अपने मोबाइल के अंदर से बाकायदा तेज तेज चलाना शुरू कर देता है और उनके घरों के अंदर से जो आवाज आती है वो गानों की आवाज, सीरियलों की आवाज, वो भोजपुरी गानों की आवाज आया करती है कि सिर्फ हम और आप अगर मुसलमान है तो सिर्फ रमजान ही मुसलमान है और उसके अलावा दीगर महीने के अंदर हम और आप मुसलमान ही नहीं है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपने अपने बच्चों और बच्चियों के मोबाइल को तोड़ 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 छेद छेदो, उनके अंदर बहुत सारी गंदी गंदी फिल्में भी मौजूद होंगी, उनके यहाँ भोजपुरी गाने भी मौजूद होंगे। मेरे प्यारे साथ
رسول اللہ نے حرام قرار دیا گیا ہے, جس کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا وہی چیزیں آج ہماری زندگی کے اندر موجود ہے. باپ دیکھ رہا ہے لیکن کچھ نہیں بول رہا ہے, ماں دیکھ رہی ہے لیکن کچھ نہیں بول رہی ہے, اور بھائی دیکھ رہا ہے اور اپنے بہن کو کچھ بھی نہیں بول رہا ہے. بہن اپنے بھائیوں کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے پھر بھی اپنے بھائیوں کو نہیں ٹوک رہی ہے. بگڑ چکے ہیں کہ برائی کو دیکھا جا رہا ہے لیکن برائیوں کو روکا نہیں جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے لیکن برائیوں کو روکا نہیں جا رہا ہے. جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے کہ وہ دیوس نہیں چھوڑا. دیوس کے معنی آپ نے سنا ہوگا, دیوس کے معنی ہوتا ہے بھڑوا. اس کی میننگ میں کتنا گھٹ گھٹ, ایک آدمی اپنی بہن کو غلط کام کرا کر کے اس کو وہ پیسہ کھائے کہتے بھڑوا. اب آپ سمجھ لیں آپ کی بہن غلط کام کرے اور آپ کچھ بھی نہ کہیں, نہ روکے نہ ٹوکے نہ منع کریں, امام کائنات کے ڈکشنری میں وہ آدمی بھڑوا ہے جس کا بیٹا سیوا کاروں سے نہ کرتا ہو, اپنی گرل فرینڈوں سے باتیں کرتا ہو اور مدھو پور کی گلیوں میں اپنے گرل فرینڈ کو لے کر کے چلتا ہو اور اس کے باپ کے کانوں کے اندر آواز بھی آتی ہو اور باپ نہ ٹھوکتا ہو نہ منع کرتا ہو, امام کائنات کے ڈکشنری میں اس کو بھڑوا قرار دیا گیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں اس کو اتنا زندہ جملہ اور لفظ قرار دیا گیا ہے اور کل قیامت کے دن اس کو رسوا اور ذلیل بھی ہونا پڑے گا. یاد رکھو معاشرے کے اندر تباہ, معاشرے کو بگاڑنے والے نہ بنو, معاشرے کو بنانے والے اور سنوارنے والے بنو. قرآن کی اس آیت میں ذرا دیکھو میرے بھائیوں, اللہ الذی خلقکم من قرب ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا. اے نواب اور یہاں کے رہنے والوں مدھو پور کے لوگوں کو آپ کے اوپر کبھی غور کرو کہ ہم اور آپ دنیا کے اندر کتنے کمزور بن کر کے آئے, جب دنیا کے اندر ہم نے اور آپ نے جنم لیا, جب ہم اور آپ اپنے ماں کے پیٹ اور بطن سے پیدا ہوئے تو اتنا کمزور تھے کہ ہم چل بھی نہیں سکتے تھے, ہم اتنا کمزور تھے کہ کھا بھی نہیں سکتے تھے, ہم اتنا کمزور تھے کہ اگر سر کے اندر درد ہوتا تو اپنے ماں کی زمین کو ادا بھی نہیں کر پاتے تھے, ہم اتنا کمزور کہ اگر پیٹ میں درد ہوتا تو کبھی نہیں کر پاتے تھے. اللہ نے کمزور اتنا کمزور کہ تم کھا بھی نہیں سکتے ہو, تمہاری ماں چبا چبا کر کے روٹی کو نرم کر کے تمہارے منہ میں ڈالتی ہے تب تم اس کو کھا لیتے ہو, اتنا کمزور ہو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور کمزوری کے بعد ہم نے تمہیں جوان بنا دیا اور جوانی کے بعد ہم نے پھر تمہیں کمزور بنا دیا. یعنی تیری زندگی کے اندر تین مرحلے ہیں, تین حالات ہیں, دو حالتیں تو کمزور کی حالتیں ہیں اور ایک حالت ہے جو طاقت والی انرجی والی پاور والی حالت ہے. دو حالتیں تو تیری ایسی گزر جاتی ہے, بچپنا ایسے گزر گیا, بڑھاپے ایسے گزر گئے, لیکن میرے بھائیوں جوانی بہت امپورٹنٹ ہے زندگی میں, جوانی بہت ہی زیادہ اہمیت والی ہے, بہت ہی زیادہ. حدیث کے الفاظ ہیں بخاری مسلم کے, رجل شاب فی عبادت رب, اس آدمی کو اللہ عرش کے نیچے جگہ دے, جس دن کوئی سایہ نہیں آتا. ابھی گرمی کے مہینے میں کسی کو کھڑا کر دو 12 بجے دن میں, دھوپ میں جون اور جولائی کے مہینے میں بغیر چپل جوتے اور بغیر کپڑے کے کھڑا کر دو, کہیں 10,000 روپے دے گی پاگل ہو کے کھڑے ہو جائے بغیر جوتے چپل, ہم کو پیسے نہیں چاہیے, پیر جل جائیں گے, میں پریشان ہو جاؤں گا, میں کھڑے کھڑے تمہارے پیسوں کے چکر میں میں اپنی جان گنوا نہیں سکتا ہوں, میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا ہوں, تجھے تیرے پیسے مبارک ہو. ہم اور آپ اس بات کو برداشت نہیں کریں گے, لیکن میرے بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ رجل شاب نصاب عبادت ربی, کیا فرمایا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا عرش کے نیچے جگہ دے گا, یعنی جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن پہ صرف جو سایہ ملے گا اللہ تبارک تعالیٰ کا, جو عرش والا ہوگا اس سایہ کے اندر جس کو جگہ ملے گی وہ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جوان لڑکے اور لڑکیاں ہوں گی جس نے اپنی جوانی
जिनाकारी में नहीं, शराब के अड्डों में नहीं, जुआ बाजी में नहीं, मोबाइल के अंदर नहीं, जिसने अपनी जवानी शाप नशा पे इबादत रखी, जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हुई होगी, जिसने अपनी जवानी अल्लाह तबारक को खुश करने के लिए गुजारी हुई होगी, हाँ उसके गलियों के अंदर उसके मोहल्ले के अंदर बहुत ही खूबसूरत लड़कियां तो होंगी, लेकिन उस जवान ने अपनी आंखों के ऊपर उसने अपने अपने सरदार के ऊपर कंट्रोल किया होगा, उस लड़की को अल्लाह खूबसूरती का प्रचार नहीं किया होगा, बल्कि अपनी खूबसूरती को बचा करके अपने शोहर के लिए जिसने इस्तेमाल किया होगा, उन लड़कियों को भी अल्लाह ताला अर्श के नीचे जगह देगा। देखिए सोशल मीडिया, खोलिए सोशल मीडिया, आज शॉर्ट वीडियो में हमारी मुसलमान लड़कियां खोलो तो ज़ैनब, फातिमा, कुलसुम, रुकैया, आयशा, हाँ हाँ आमना, इस तरीके के नाम लेंगे और उसकी कमर लचकती हुई नजर आएगी, उसके बाद बिखरे हुए नजर आएंगे और बाकायदा उसके अंदर गाने फिट किए जाते हैं और आंखों के इशारे और हाथ के इशारे और बाकायदा इस अंदाज से, और आजकल की लड़कियां फेसबुक के अंदर अपनी तस्वीर डाल रही है, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी तस्वीरें डाल रही है, बाकायदा लिखती है मुसलमान लड़कियां कमेंट करो, लाइक करो, मैं तुझे अपना नंबर देख देख, लाइक करो, मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगी, चैटिंग करूंगी, बात करूंगी, यानी जिना के लिए खुद खुद आमादा हो रही है, मुझे पसंद करो, मुझे लाइक करो, ओ लड़कियों कम से कम तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो हदीस तो सुनी हुई होती, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, वो लड़की, वो औरत, वो खातून, वो लेडी जन्नत के अंदर जा नहीं सकती, निसा उनका सिया तुम आरिया तुम मालिया, निसा उनका सिया तुम नारिया तुम मानिला तुम मोमिला, ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जाएंगी, जो कपड़ा तो पहनती होगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। आज हमारे लड़कियों के चुस्त कपड़े देखो, इतने जींस और टाइट कपड़े पहनते हैं कि बूढ़ा आदमी भी जवानी की दुआ मांगने लगे, एक हाजी साहब भी पलट करके देखने लगे, एक मौलवी साहब की नजर भी उसके ऊपर पड़ जाए। और मेरी प्यारी बहनों, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती हो, तुम नबी की बेटी जैसा बनना क्यों नहीं चाह रही हो? मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे लड़कियों के ऊपर नजर दौड़ाओ, उनके इंस्टाग्राम उनके सोशल मीडिया के ऊपर नजर दौड़ाओ, आज हमारे लड़कियों की तस्वीरें कैसे गर्दिश कर रही है, कौन है ये, हमारी कौम की बेटी है, ये हमारी कौम की बहन है, ये हमारी आने वाली फ्यूचर है, जिनका ये हाल लो, इनके बदन से तीनदार बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं, इनके बदन से तीनदार बेटियां कैसे पैदा हो सकती है, इनके बदन से आने वाली नस्ल अच्छी कैसे पैदा हो सकती है? मेरे प्यारे साथियों, हमें अपने बहनों की परवरिश करनी होगी, हमें अपने बेटियों की परवरिश करनी होगी, हमें अपने बेटों की परवरिश करनी होगी, तब हमारा समाज हमारा सुधरेगा। आज हमारी लड़कियों को देखो मेरे प्यारे साथियों, मधुपुर की गलियों नगर में गुजरना हो तो मुसलमान लड़कियों के सर के ऊपर आप लोग दुपट्टा नजर नहीं आएगा, अपने बाल फेर फेरे चलेंगी, बहन बनती भी चलेंगी और न जाने अपने आप को क्या समझती है। मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारे बहनों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस है, ऐसे लड़कियां जन्नत में जाने की दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती है, जन्नत की खुशबू रिहा यूजद मिन मसीरति कज़ा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत की खुशबू इतनी इतनी दूर, कितनी दूर तक? बाज़ हदीसों में आता है कि कोई आदमी घोड़े पे सवार हो और तेज घोड़े और 40 साल तक सफर करे, अब 40 साल में कितना दूर तक चला जाएगा? एक तेज रफ्तार घोड़े पे बैठ बैठ के सफर करता रहे, अब सोच लो कितना दूर जाएगा, रुके बिना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इतने दूर तक जन्नत की खुशबू पहुंचती है। अगर ऐसी लड़कियां जो कमर मचका करके और अपने अपने पैर पासे पे दिखाते हुए और मैं
करके खूबसूरती का इजहार करते बेहतर चल रही हो, तो ऐसे लड़कियां जन्नत में जाने की दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। इसका मतलब ये कि जहन्नम में जाने जाने इसका जवाब ये कि जन्नत में नहीं जहन्नम के अंदर जाएगी। तो इस तरीके की लड़कियां हैं, आज देखिए बिगाड़, ये बिगाड़ आया कहां से, कैसे बिगाड़ा? मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटियों के ऊपर नजर दौड़ाओ मेरे प्यारे साथियों, इतने ज्यादा दीनदार अल्लाह से ज्यादा डरने वाली कि हजरत पापा के बारे में यहाँ तक आता है, हजरत पापा के बारे में यहाँ तक आता है कि हजरत फातिमा ने कभी अपने शौहर से कहा था मेरे शौहर अली, मेरे शौहर अगर मैं इंतकाल कर जाऊं मर जाऊं तुझ मुझे राहत की तारीख में दफन करना, कहीं मेरे जिस्म के ऊपर किसी नौजवान की नजर न पड़ जाए, किसी मर्द की नजर न पड़ जाए, रात तारीख में दफन कर देना ताकि मेरे जिस्म के ऊपर नजर न पड़ जाए। मेरे प्यारी बहनों गौर करो, मरने के बाद भी ये ख्याल है, जिंदगी में तुमने बहुत ज्यादा पर्दा किया लेकिन मरने के बाद भी ये हालत है कि अपने शौहर से कह रही है ओ मेरे शौहर मरने के बाद मुझे रात तारे के मैं दफन करना। आज हमारे यहाँ शादियों में देखिए शादी एक ही हो रही है, लगता है कि सब दुल्हन बनी बैठ 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 शौहर के लिए कभी नहीं सजेगी, शौहर एक से कपड़ा ला करके देगा, मेकअप के सामान एक से एक देगा, अपने शौहर के सामने कभी नहीं मेकअप करेगा, लेकिन शादी में जाना हो एक एक घंटा से आजकल अलग अलग मेकअप आता है, वाटर प्रूफ मेकअप लगा लो, पानी भी धुलो फिर भी नहीं, ऐसे ऐसे मेकअप आंख में लगाने वाले अलग, बाल में लगाने वाले अलग, ये अलग अलग, और ऐसी लड़कियां क्यों बनकर इस तरीके से जाती है ताकि हमारी हमारी नजर पड़े और बड़े उतार रही है। मेरे प्यारे प्यारे और करो, अब शादी में जाने से मना नहीं है, जा सकती हो लेकिन आप इधर पर्दा रहा है, औरत का माना होते औरत का माना ही है पर्दा, और औरत का मकाम इस्लाम के अंदर ये है कि दुनिया के अंदर सबसे कीमती दौलत अगर कोई चीज है तो वो है, सुनिए आप, अर दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अलमरतु सालिहा, दुनिया तमाम की तमाम पूरी की पूरी दुनिया फायदा देने वाली है लेकिन सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर कोई है तो नेक औरत है, जिसको जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करार दिया नेक औरत है। अब आप समझ सकते हो सबसे कीमती दौलत आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी बीवी है, आपकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपकी बीवी है, सबसे कीमती चीज को अगर आप इस तरीके से कुल्ला कुल्ला रखोगे तो मेरे भाइयों को कीमती चीज बचेगी नहीं बल्कि वो कीमती चीज कोई छुड़ा लेगा। इसी वजह से आप अगर कीमती चीज अपने घर के अंदर रखते हो तो अपने घर के अंदर सबसे महफूज जगह पर रखते हो, सोना चांदी हो तो घर रखते कुल्ला कुल्ला करके रखते नहीं, कोई कीमती चीज होती है सोना चांदी है तो डिबिया में बंद कमरे के अंदर जो सबसे मजबूत रूम होता है और जो मजबूत जिसके अंदर ताले लगे होते हैं उसके अंदर क्योंकि सबसे कीमती चीज हमारे पास सबसे कीमती चीज हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बीवियां हैं, हमारी माएं हैं। रास्ते में चलो तो लड़कियां बाहर खड़ी है बाल दिखाते हुए खड़ी खड़ी, कोई लड़का अगर स्टाइल घूमने लगा तो इशारे भी मारती है, ये हालात है। इन लड़कियों को बाहर निकलने की इजाजत किसने दिया? गौर करो मेरे भाइयों, जरा एक सहाबी को वो मंजर देखो, नबी अकरम से जंगे उहद के मौके पे अल्लाह के नबी से उसने छुट्टी लिया कि अल्लाह के नबी मैं अपने बीवी से मुलाकात करने के लिए जाना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी ने उसको अपनी बीवी से मुलाकात करने की इजाजत दे दी। वो सहाबी अपने घर के अंदर पहुंचते क्या कहते हैं कि उसकी बीवी घर के बाहर खड़ी है, बीवी है घर के बाहर खड़ी,
शोहर ने तलवार निकाली, हार करी है, अंदर होना चाहिए बाहर क्यों करी, तलवार निकाली और जैसे दौड़े मारने के लिए तुम मेरे घर में रहने लायक नहीं, तुम मेरी इज्जत हो, कीमती चीज हो, तुम मेरे घर के अंदर से बाहर क्यों निकले, अब तुम्हें दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है, अब तुम्हें मर जाना चाहिए। ये तलवार निकाल करके दौड़ते बीवी चीख करके कहती है, पहले ये तो पूछो कि मैं बाहर क्यों निकली हूँ, पूछते क्यों निकली बताओ, कहते अंदर सांप है, तो वाकई देखते अंदर सांप है, ये बड़ा लंबा वाक्य, वो सांप नहीं बल्कि जिन था, उसको मार दिया गया, तो बहुत लंबा चौड़ा वाक्य है, लेकिन आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अपने बीवी को घर के बाहर देखा तो तलवार निकाल, आप अपने बीवी और बहन को देखने बाहर तो क्या करते हैं, कभी आप भी रोका है, अपने बेट बेट की तस्वीरें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हो, कभी आपने टोका, कभी रोका, क्यों नहीं? हमारे नौजवान लड़कों को देखो शराब के अड्डों में बैठ बैठ शराब पीता है, हमारे नौजवान लड़कों को देखो सेनाकारी के अड्डों में जाता सेनाकारी करता है, हमारे नौजवान लड़कों को देखो जुआ के अड्डों में जाता जुआ खेलता है, शराब में ये कौन सबसे ज्यादा आगे, जुआ खेलने में ये कौन सबसे ज्यादा आगे, सेनाकारी में ये कौन सबसे ज्यादा आगे, मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अगर मैं वो मना देता हूँ कलकत्ता दुबई कलकत्ता मुंबई और दिल्ली के जिन्होंने मुझे बताया कि मुझे तो मालूम नहीं है, मुसलमान लड़कियाँ जींस और टी शर्ट पहनकर के बाकायदा बियर बार में और ऐसे होटलों में आती है निकाब की हालत में और निकाब निकालती है और छोटे छोटे कपड़े पहन करके सामने आकर के डांस करती है और बाकायदा दूसरों को खुशी खुशी जाती है और पैसा कमाती है, फिर निकाब पहन करके घर घर जाया करती है, और ऐसे लड़कों और ऐसे नौजवानों के बारे में बताया कि नौजवान इन लड़कियों के पीछे अपना पैसा बर्बाद करते, ये नौजवान ये कौम तबाह बर्बाद है, जलील है, रुतबा है, सिर्फ हमारी करतूतों की वजह से, हमारी क्यों हमारे समाज के अंदर ये हालत है, क्यों शराब में तड़पती हुई, क्यों नमाज में दिल नहीं लगता, क्यों कुरान में दिल नहीं लगता, क्यों हमारी बहनों को पर्दा करने में अच्छा नहीं लगता, इनको गैरों के तरीकों को अपना क्यों अच्छा लगने लगा, कभी आगे और क्या पहनते ऊपर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सुनो यहाँ के लोगों सुनो गौर से सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दौर आएगा, यूसुफ एक दौर ऐसा आएगा जिस दौर के अंदर तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी लेकिन तुम्हारा पावर खत्म हो जाएगा, तुम ज्यादा होगे लेकिन तुम्हारा पावर नहीं होगा, तुम बिल्कुल कमजोर हो जाओगे, तुम्हारे अंदर एक बीमारी आ जाएगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया कौन सी बीमारी होगी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फरमाया बहन की बीमारी कौन सी है, क्या है ये नबी बताइए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हो दुनिया व कराहियतुल मौत, आई लोगों सुनो हो दुनिया व कराहियतुल मौत, ये बहन की बीमारी कहते हैं दुनिया से मोहब्बत और आखिरत से नफरत, आज हमारे नौजवानों को दुनिया से मोहब्बत, लड़कों को भी मोहब्बत, लड़कियों को भी मोहब्बत, हमारे बुजुर्गों को भी दुनिया से मोहब्बत, आज हमारे बहुत से अपने आप को दीनदार समझने वाले उनको भी दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत, मेरे बेचारे साथियों दुनिया से इतनी ज्यादा मोहब्बत न करो कि दुनिया के चक्कर में हाथ भूल जाओ, चीख करके तुम्हें कहता है तुम दुनिया को तरजीह देते हो और आखिरत को भूल जाते हो, नहीं नहीं ये दुनिया तो चंद साल जिंदगी है, इस जिंदगी को खत्म करो, आखिरत के ऊपर आखिरत को फोकस करो, आखिरत को वैल्यू दो, आखिरत को तरजीह दो, आखिरत को ही तुम टारगेट करो, वह बीमारी नहीं है,
आज नौजवान लड़का को देखिए, हमारे यहाँ देखिए, वह बीमारी हो चुकी है दुनिया की मोहब्बत, कितनी मोहब्बत अल्लाह। आज अगर कोई लड़का कह दे कि हम तो मैं ये सब करने को तैयार है, गैर मुस्लिम लड़का, तो हमारी मुसलमान लड़कियां उसके साथ भाग भाग भागे भागवे रहिए। कितनी मुसलमान लड़के गैरों के साथ इसके लड़ा, आप देखिए समाचार देखिए, न्यूज देखिए, सोशल मीडिया के अंदर जो तहरीरें गर्दिश कर रहे हैं उसको देखो। अभी इंदौर के अंदर 1000 से ज्यादा लड़कियों ने, मुसलमान लड़कियों ने बाकायदा कोर्ट में गैर, और जिन्होंने नहीं किया जिनका कुछ सबूत ही नहीं, वो कितनी लड़कियां था पता नहीं है, लेकिन गौर गौर मेरे भाइयों तुम इतनी गिर चुकी हो कि मुसलमान छोड़ो गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ तुम्हारे बाहर। हमारी कौम की बेटियां हैं, ऐसा वो जुहार में आपको बिगाड़ हार समाज के अंदर हमारी बेटियों को पर्दा करने में क्या लगा रहा है, हमारा जिसमें हमारी मर्जी। हाँ, जो पाकिस्तान के नारे, पाकिस्तान के लड़कियां जो नारे लगा रही थी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जो करें कोई कहने वाला कौन है, हम अपने जिस्म के मालिक हैं, जहां जाएं जिस होटल में जाएं जाएं के साथ सोए बैठे उठे वाले कौन होते हो, हमारा जिस्म हमारी मर्जी नहीं। इस्लाम में आने के बाद तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी नहीं, बल्कि तुमको एक दायरे में रहना जरूरी है, तुम्हारा एक दायरा बताया गया है, वो कर अपने घर के अंदर ठहरे रहो, अपने घर के अंदर रहो, घर से बाहर न निकलो, घर के अंदर रहो। नबी की बीवियों से कहा जा रहा है तुम अपने घर में रहो, लेकिन नबी की बीवियों से नहीं, बल्कि नबी की उम्मत की जितने भी लड़कियां हैं, जितने भी आने वाली औरतें, सबसे कहा जा रहा है ऐ उम्मत मोहम्मदिया की, मोहम्मदिया की औरतों सुनो, तुम अपने घर में ठहरी रहो, वो कर नबी बुयूत कुरिमला वाला और जमाना जाहिल की तरह बन सबर करके न निकलो। जमाना जाहिल के अंदर क्या होता था, बन सबर करके निकलती थी कपड़े। आजकल तो एक स्टाइल चल रहा ना, जिसके पास कम कपड़े हो रहे उसको ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा सेक्सी, इतने इतने कपड़े अपने में सफर कर रहे, उस उन्हीं लड़कियों को सेलेक्ट किया जाता है जो अपना जिस्म ज्यादा दिखाती हो, ज्यादा दिखाने वाले। जमाना जाहिलियत के अंदर बाकायदा लड़कियां बन सवार करके निकलती है, तो कपड़े बिल्कुल ना के बराबर, यहां के खाना काबा के अंदर तवाफ करने का जो तरीका था, बिल्कुल नंगी होकर के तवाफ करते थे। गौर गौर आजकल की लड़कियों को देखिए, कपड़े पहन रही जींस भी इतना टाइट कि उसको कह नहीं सकते हम, अगर ना पहन पहन तो इतना टाइट, जींस भी पहन ली है, टी शर्ट भी पहन ली है, और झुटके का ऊपर से स्कार्फ बांध बांध बांध, ये धोखा, ये धोखा है। वाला तबर्रुज़ तबर्रुज़ल जाहिलियत लोला, क्या फरमाया तुम ज़माना जाहिलियत के तरह बन सबर करके निकलो, निकलना तो ऐसे निकलो जैसे कि तुम मुसलमान की बेटी चल रही हो, तुम इस्लाम की बेटी चल रही हो, इस्लाम मुसलमान की पहने बन करके चल रही हो, तुम्हारी चाल चाल लगे कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी बातों के अंदाज से लगे कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे बात करने का अंदाज मुसलमान जैसा होना चाहिए, तुम्हारे बातों के अंदर वो चमक नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे बातों के अंदर वैसी बात होनी चाहिए सामने के वाले के दिल के अंदर कोई खटक पैदा ना हो, इस तरीके से बात होनी चाहिए। किसी लड़के से बात कर रही है, हंस हंस के बात कर रही है, ये बहुत हंस हंस के बात कर रही है, हंस हंस के बात तुम उससे क्यों कर रही हो, यहाँ तक कि मोबाइल से भी बातें करो,
तो बहुत हिसाब से सामने वाले दिल में ऐसा न लगे कि तुम्हें तुम उसके दिल में कुछ जगह दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात करने का तरीका क्या होता है, फोन किया, किससे बात करनी है, नहीं है रखिए। अब बात करने का तरीका ऐसा, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, कौन बोल रहे हैं, जरा तस्वीर भेजिए, फिर चैट करनी, फिर वीडियो कॉलिंग शुरू, मेरे मोबाइल के ऊपर एक दो घंटे की तकरीर आप सुन लीजिए। यहाँ तक के दोस्ती होगी लड़के और लड़कियों में, और आजकल तो वीडियो कॉलिंग वाले दिन के बाद अपनी तस्वीर दिखाओ, लड़की की बेताब तस्वीर दिखाने के लिए मेकअप करके करके वीडियो कॉलिंग कराती है, करती है, कैमरा होकर के कोई तो देखने वाला नहीं है, अपने सामने वाला चाहने वाले को वीडियो में अपनी तस्वीर दिखा रही है। अब वो कहता है ये दिखाओ, वो कहता है ये दिखाओ। धीरे धीरे लड़कियां भी इतनी ज्यादा कम अकल वाली बात लड़कियां होती है कि उस अनजान लड़के के लिए अपना पूरा जिस्म दिखाती है, और भाटा जब वो सामने वाले लड़का उसको वीडियो करके रख लेता है और ब्लैक मेल करता है, तेरे भाई को तेरे बाप को भेज दूंगा, फेसबुक में डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, तेरी इज्जत के ऊपर बाट लग जाएगी, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। इस वजह से जो मैं कह रहा हूं करो, जिसने कभी अपने घर से बाहर किसी से मुलाकात ना की हो, किसी से हाथ ना मिलाया हो, आज मोबाइल हमारी लड़कियों को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया, उसका गलत इस्तेमाल करने की वजह से अब जान लड़का से मिलने के लिए हमारी बहन जाती है, और उसके बिस्तर को गर्म कर दिए, कपड़ा खोल के उसके साथ हम बिस्तरी भी करती है, और इतना ही नहीं ब्लैकमेलिंग कर करके वो लड़का अपने दोस्तों के साथ उन लड़की के साथ जिनाकारी करता है, बलात्कारी करता है। ये रास्ता किसने खोला, ये रास्ता तुमने दिया है, इसी वजह से कुरान कहता है नहीं ऐसा मत करो, वो कुल मोमिनात यगुज़ना बिन बसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना। ऐ मोमिन, ऐ मोमिना औरतों, जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीचे रख करके चलो, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فرمایا نگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ولا يبدين زينتهن، اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرو، تمہاری خوبصورتی جو ہے اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرو، پورا لشکر قرآن نے بتا دیا کہ کے سامنے ظاہر کرو۔ سورہ نور پڑھیے، अठारहवें पारे के सूरह नूर के अठारहवीं ये आयत है, इसको आप पढ़िए। वला युदीन ज़ीनतहुन इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, पूरा बताया कि किनके सामने हम अपना चेहरा खोल सकते हो, अपने बाप के सामने, भाई के सामने, शौहर के सामने, भाई के सामने, ये सब पूरा कलम बड़ा लिस्ट दिया हुआ है। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे यहाँ की लड़की लड़की का अलग पहचान है, मौलवी साहब आए तो चेहरा छिपा दे, बस वही है गैर गैर, बस वही है। उसके सामने कोई भी लड़का आ जाए, चेहरा छिपाने की जरूरत नहीं है, इशारे इशारों में बात। ये हालात अपने माशरे के मेरे भाइयों, जरा गौर करो कि हालात क्यों पैदा हुए, कारण क्या है, बिगाड़ बाप देख रहे इस तरीके से बिगाड़ है, इसकी वजूहात क्या है। आइए चंद वजूहात मैं बताऊं, फिर मैं इलाज बता करके अपनी बात खत्म करता हूं। वजूहात, पहली वजह, हमने हमारी जिम्मेदारी डाली है, जो बहैसियत बाप, बहैसियत भाई, बहैसियत गार्जियन, हमने अपने बेटों और अपने बेटियों की सही तरबियत नहीं रखी, नहीं हमने अपने बेटियों को नहीं बताया बेटियों तुम्हारी जिंदगी में सबसे कीमती दौलत तेरी इज्जत है, हमने अपने बेटों को नहीं बताया आई मेरे बेटो तेरी जिंदगी में, तेरी जिंदगी में सबसे कीमती दौलत तेरा ईमान है, हमने अपने बेटियों को नहीं बताया सबसे कीमती दौलत तेरा ईमान है, ईमान से बढ़कर के कोई दौलत नहीं है, इस ईमान को बचाते रहना, कहीं भी रहना इस ईमान का सौदा मत करना, डरते रहना, तुम मधुपुर के अंदर हो या मधुपुर के बाहर में हो, तुम बंद कमरे में हो या बंद कमरे के बाहर हो, तुम जंगल में हो बयाबान में हो, कहीं भी हो कहीं भी हो, आई मेरे बेटो और आई मेरे बेटियों, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर दाखिल करना, इत्तकिल्लाह, हाय सुना तुम
जहां कहीं रहना तुम अल्लाह से डरते रहना। ये हम ये पाठ नहीं सिखाए अपने बच्चों को। मौलवी के सामने तो मोबाइल बंद, हाँ बंद कमरे में देखिए क्या क्या। हमारी लड़कियों को देखिए मोबाइल हमने और आपने दिया है, कभी आप चेक करके क्या करते हैं उसके मोबाइल के अंदर क्या देखते हैं आप, गार क्या नहीं आप, ये बताइए। ईमान नहीं जाना, ईमान की हिफाजत करो। और आओ बहादुरपुर के लोगों में तुम्हें बताओ, ईमान की बड़ी दौलत उसको बचा लो, ईमान में खत्म ना हो पाए। कल कयामत के दिन काफिर लोग आसमान और जमीन के बराबर अल्लाह को सोना देंगे, आसमान और जमीन के बराबर सोना देंगे और कहेंगे अल्लाह आया आया मुझे जहन्नम से बचा ले, आसमान और जमीन के बराबर हम तुम्हें सोना दे रहे, चांदी दे रहे, हम तुम्हें दौलत दे रहे। अगर वापस मान लिया जाए अल्लाह तबारक व तआला उसको ये चीज मुहैया कर दे और उसके पास आसमान और जमीन के बराबर सोना हो और अल्लाह को आसमान और जमीन के बराबर सोना दे, फिर भी अल्लाह ताला फरमाता है उसके आसमान और जमीन के बराबर सोना भी नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उससे मांगा जाएगा तो सिर्फ ईमान की सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर तेरे पास ईमान हुआ हम तुम्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। उस आदमी अफसोस के मारे कहेगा कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, काश हम दुनिया में मुसलमान होते, दुनिया में मोमिन होते तो आज हम जहन्नम में ना होते। ऐ मुसलमानों अल्लाह का शुक्र मनाओ, मुसलमान घर में पैदा हुए अल्लाह का शुक्र मनाओ, तुम्हारा नाम अब्दुल्ला अब्दुल रहीम है, तुम्हारा नाम सुमैया फातिमा कुलसुम है, तुम्हारा नाम प्यारा प्यारा सा है, तेरे घर के अंदर कुरान है, तेरे घर के अंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस है। एक चांस है, इसके बावजूद हम अपनी ईमान की हिफाजत नहीं कर रहे हैं। कल कयामत के दिन महसूस करेगा कि काश कि हम अपने ईमान की हिफाजत किए होते, तरबियत हमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं, तरबियत अंदाज देखिए। हजरत जकरिया का वाकया आपने सुना है, कुरान पढ़िए कुरान। जकरिया अलैहिस्सलाम की किफालत में उनकी बेटी किफालत में दिया गया था, बेटी नहीं उसकी किफालत में जो थी मरियम अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम की किफालत में कौन है, हजरत मरियम। अब मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस के बगल एक रूम उसको दिया गया, उसी में वो रहती थी। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम आना जाना करते थे क्योंकि उसकी माँ ने ये मन्नत मानी थी कि मेरे बतन में के अंदर जो भी हो हम अल्लाह के अल्लाह उसको दे देंगे, बेटा हो बेटी हो कुछ भी हो, लेकिन उसने सोचा था कि बेटा ही होगा लेकिन हो गई बेटी। अब बेटी ने मन्नत तो मानी थी उसने, उसने उस बेटी को भी उस अल्लाह के राह। अब ये जैसे जैसे जवान होती गई 16-17-18 साल की है, जकरिया अलैहिस्सलाम कभी कभी आया करते हैं कमरे के अंदर देखने के लिए। जकरिया अलैहिस्सलाम की नजर पड़ती है कभी आम रखा है, कभी केला है, कभी अमरूद है, कभी अंगूर है। हजरत जकरिया कहते हैं मरियम मैं तो तुम्हें ये फल ला करके देखा हूँ, तरबियत देखिए तरबियत, ये फल तो मैं तुम्हें ला करके नहीं देता हूँ और तेरा देखभाल करने वाला मैं, तुम्हें किफायत करने वाला मैं, तेरी हाजतों को पूरी करने वाला मैं। या मरियम अन्ना की हाजा, हे मरियम तुम्हें फल कौन ला करके देता है, मैं तो देता नहीं हूँ, कौन ला करके देता है, कहीं किसी से तेरा कोई ताल्लुक तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई लड़का करके तुम्हें इस तरीके के कोई फल देता है। हाजत मरियम कहने लगती है ओ मेरे खालू, इन जुमलों को अपने पीछे कर लो, इनको तुम वापस ले लो, आई मेरे खालू जान ऐसा नहीं है, मेरा ताल्लुक किसी लड़का से नहीं है, किसी से मेरा कोई गलत संबंध नहीं है, पूछ रहे ये मर ये फल कहाँ से आता है, अल्लाह ताला मुझे देता है, अल्लाह यरज़ुकु मन यशा बग़ैर हिसाब, अल्लाह ताला जिसे चाचा बाए हिसाब के रोजी देता है, आई मेरी खालू जान ये अल्लाह ताला ला करके देता है,
बगैर मौसम के फल भी दे सकता है। पता ये चला मरियम अलैहिस्सलाम की हिफाजत करने वाला, तरबियत और देख रेख करने वाला, कितना केयर और ध्यान दिया करते थे। फल भी आया, पूछ लिया भाई मरियम ये फल कौन ला करके देता है। तुमने अपने बेटियों को कभी पूछा ये रुमाल किसने दिया, ये मोबाइल किसने दिया, घड़ी घड़ी ने दी, हमने तो दिया ही नहीं। हाँ दिया क्या ने, कभी पूछा आपने ये नंबर किसका है, ये फोटो ये तस्वीर किसकी, कभी आप क्या पूछा। बाप तो बने हैं लेकिन ओरिजिनल बाप नहीं, बाप है लेकिन जो होना चाहिए बाप की जिम्मेदारी, भाई है लेकिन जो जिम्मेदारी बननी चाहिए वो भाई आपका ही है। गौर गौर मेरे, वजह यही है कि हम अपने बच्चों और बच्चों के ऊपर जो निगाह रखनी चाहिए नहीं है, दूसरों की बेटियों के ऊपर नजर, इसकी बेटी उसका बेटा है, तुम्हारा बेटा कैसा, तुम्हारी बेटी कैसी, कभी आपने देखा आपने, उसकी बेटी ऐसी, उसकी बेटी ऐसी, उसकी बेटी ऐसी नहीं। मेरे भाइयों सबसे पहले अपने घर के अंदर देखो कि हमारी बेटी कैसी। मधुपुर जाती कॉलेज में सहेली कैसी, आप अपने बेटी को भेज रहे हो पढ़ाने के लिए, सब पढ़ाओ लेकिन ईमान नहीं जान जान। ऐसा नहीं दुनिया के चक्कर में आकर तुम्हारी फरी फरी। इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बाप को और ऐसे गार्जियन को अल्लाह के नबी ने जन्नत की जमानत गारंटी दी है। आपने फरमाया जो आदमी दो लड़कियों की सही परवरिश कर ले हम उन्हें जन्नत की गारंटी देते। सही परवरिश, सही तरबियत, सही तालीम, तालीम तो आपने दे दी लेकिन तरबियत नहीं। गौर कीजिए मेरे भाइयों, समाज के अंदर बिगाड़ है तो आपने अपने बेटों और अपने बेटियों को बुनियादी तालीम नहीं रखी। बहुत सारी लड़कियां हैं जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का मीनिंग भी नहीं, बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं जिसको इस्लाम का बुनियादी हक क्या होना चाहिए, इस्लाम के अंदर बुनियादी चीजें क्या उसको मालूम नहीं, आजान के बाद दुआ नहीं मालूम, घर के अंदर जाए वो दुआ नहीं मालूम, घर से बाहर निकले वो दुआ नहीं मालूम, गाड़ी के अंदर प्लेट के अंदर सवार होने को दुआ नहीं मालूम, और क्या बोलते आइए मुस्लिम, ये बात कैसे मुसलमान हो तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है। हमने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं दी, इस वजह से हमारे बच्चे जैसे पैदा हुआ दो तीन साल का हुआ अलिफ बा का नहीं एबीसीडी सिखाना शुरू कर, अल्लाह अल्लाह नहीं सिखाया, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं सिखाया, वो तो वो थी उम्मे सुलैम, छोटा सा बच्चा 4 साल का बच्चा था, पीता हुआ बच्चा 1.5 साल का बच्चा है, और उम्मे सुलैम अपने उसी बेटे आना बिन मालिक को गोद में लिए हुए हैं और आना बिन मालिक को दूध पिला रही है और बाकायदा कह रही है ला इलाहा इल्लल्लाह। आई मेरे बेटे अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ पढ़ दूध पिला रही है और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तलकीन भी कर रही है। हमारी लड़कियां दूध पिला रही है और सीरियल देख रही है, सीरियल देख देख देख, इधर बच्चा दूध पी रहा है उधर उधर कान के अंदर वो गाने और ना जाने कैसी कैसी चीजें कान के अंदर जा रहे हैं, समझ सकते हैं आप असर क्या होगा। दूध भी पिला रही है, बच्चे को गोद में लिए हुए। बहुत से औरतों का तो मामला ऐसे है कि सीरियल में और मोबाइल में इतना बिजी है कि खाना ही जल नहीं देखते। ये हालात आपने बनाए, हमने उड़ा मेरे भाई को, हमारा माश हमारी इतनी बड़ी बस्ती है, कितनी आलिमा है, लड़कों के अंदर थोड़ी सी क्या समझते हैं मौलवी लाइन में कुछ भी कमाई नहीं है, मौलवी कौन मनाए अपने बच्चों को, इसका मतलब ये हिंदी लाइन नहीं पढ़ता वो बहुत कमाता। मैं इसे लड़कों को देखना चाहता हूं कौन लड़का कितना कमा कमा, कौन आईपीएस यहां बना, कौन एसपी बना है, कौन डीएम बना है, कौन जज बना है। मेरे भाई जरा गौर कीजिए, दुनियावी तालीम पे नहीं, दीनी तालीम पे नहीं, दोनों के अंदर हम कमजोर हैं।
और अपने बच्चों को अरे मौलवी बना करके क्या फायदा होगा, इसके अंदर पूरी कमाई है। इसका मतलब यह है कि आपने कमाई का इन्हसार समझ लिया कि दीनी तालीम नहीं दुनियावी तालीम होगी, यानी रसदार आपने दुनिया को समझ लिया है, अल्लाह को नहीं समझा। कितनों भी बड़ी दुकान आप कर लो, जब तक अल्लाह की जात पर भरोसा ना हो उस दुकान के अंदर बरकत नहीं हो सकती है और उस दुकान से आपका घर नहीं चल सकता। ईमान आपने देखा ही नहीं ऐसे आलिम, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कम तनख्वाह आलिमों के पास रहती है, लेकिन जितने शान बान के साथ एक मौलवी रहेगा, मैं उन भोला छाप मौलवियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन आलिमों की बात कर रहा हूँ जिसने वाकई पढ़ा है, 10 साल दिया है अरसों में, उन मौलवियों को जरा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह शान बान के साथ जिंदगी गुजारते हैं और अपनी बीवियों को कम से कम हिफाजत से रखते हैं, इल्ला माशाल्लाह। एक दो एक में बात नहीं करूंगा, अब आप किसी एक के मिसाल ला करके देते हैं, मुझे साहब क्या कर रहे हैं, इसकी बेटी देखिए ऐसा किया, इसकी बीवी ऐसी है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर 99% ये है जो अल्लाह को जानता है, जो दीन को जानता है, वो अपने बच्चों की तरबियत जरूर करे। आपको ये भी बता दूं, क्या हमारे माशरे के अंदर बिगाड़ की वजह यही कि हमारे माशरे के अंदर बुनियादी तालीम नहीं, इस्लामी तालीम नहीं। कुछ मदरसे तो खुले हुए हैं लेकिन वो मदरसे भी नाम के हैं, कुछ मदरसे तो खुले हुए लेकिन चंदे के नाम पर चंदे तो होते 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 पढ़ाई नहीं, ये हराम खोर मौलवी। गौर गौर ऐसा क्यों हो रहा है? आपने जोर नहीं दिया। आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए 5,000 रुपया दे सकते हैं इंग्लिश हिंदी के लिए, अपने बच्चे को आप उर्दू पढ़ाने के लिए नहीं दे सकते। क्या हम लोग इंग्लिश नहीं जानते? हमने बीए की इंग्लिश नहीं किया है, हमने बीए नहीं किया, हमने कंप्यूटर नहीं किया है, आप क्या समझते हैं? मेरे भाई की सारी तालीमात इस्लामी मदरसों के अंदर हुआ करती है, लेकिन लगेगा मौलवी लाइन में जो चला के जाहिल है, वो हिंदी उसको नहीं आती, वो इंग्लिश नहीं जानता, मैथ नहीं जानता। बहुत से मौलवियों के सामने तो अच्छे अच्छे ऑफिसर की हवा निकल जाती है, उसके सामने बार 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 ऐसे ऐसे उलमा मौजूद है, लेकिन मेरे भाई को कहने कहने का मतलब यह है कि अपने बच्चों को दुनियावी और दीनी दोनों तालीम, ऐसा नहीं कि दुनियावी तालीम आपने दे दिया और दीनी तालीम आपने नहीं दिया। जब उसे पूछा जाएगा मारा धोखा को जवाब देगा हा लादरी, माँ दीनों का तुम्हारा दीन क्या जवाब देगा हा लादरी, मन भी पूछा जाएगा हा लादरी मैं नहीं जानता। ऐसा भी नहीं होना चाहिए मेरे भाई, रूप की तालीम आपको जरूर दे दो। तेरा नबी कौन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस नबी के ऊपर कौन सी किताब उतरी, कुरान कितने सालों में उतरे, उस कुरान के अंदर कितने पारे हैं, उस कुरान के अंदर कितने रुकु हैं, उस कुरान के अंदर सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, उस कुरान के अंदर उस कुरान के अंदर जो सूरतें हैं उन सूरतों के नाम कौन से हैं। मेरे प्यारे साथियों, कम से कम इतने बुनियादी तालीम अपने बच्चों को देना चाहिए, तब हमारे समाज के अंदर सुधार होगी। बच्चा जरूरी नहीं कि मौलवी और हाफिज और अल्लामा बने, बुनियादी तालीम आनी चाहिए। नंबर 3, हमारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, हमने अपने बच्चों को ये मोबाइल दे दिया, ये बिगाड़ एक वजह ये है, अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया। और अगर देना भी है, मजबूरी है आज के दौर में, तो आप बोल के दीजिए बेटा ये मोबाइल रहमत भी है और ये मोबाइल जहमत भी है, ये मोबाइल आपको जन्नत और जहन्नम दोनों जगह, इस मोबाइल से आदमी कुरान सुनकर के सवाब हासिल कर सकता है और इस मोबाइल से भजपुरी गाना सुनकर के बहुत सारा गाना हासिल कर सकता है। दोनों चीजें आपके पास मौजूद है, नेट अवेलेबल है, बोलिए अबुल कलाम सूफी, बहुत सारी तकरीर हजार आ जाएंगी, अब इसी में बोलिए सोनू निगम के सॉन्ग, बहुत सारी गाने आ जाएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मोबाइल का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं, लेकिन आप मोबाइल दे दिए, आपने कुछ बोला नहीं तो बेटा तो वही ना सुनेगा जो वो जानता है, लड़की लड़की डांस ही ना देखेगा, हमारी लड़कियां वही ना देखेगी, पाकिस्तानी सीरियल इंडियन सीरियल यही सब देख करके पूरा दिन भर हालात देख रहे हैं। तरह तरह आप अपने बच्चों को कोई चीज दीजिए तो उसको बताइए। एक आदमी कहने लगा मौलवी साहब मोबाइल हलाल है हराम? मैंने कहा भाई हलाल है, मौलवी साहब कैसे कह सकते हैं तो हराम है हराम। मैंने कहा क्यों? कहा कि मौलवी साहब इसके अंदर सबसे ज्यादा नशा,
आदमी मोबाइल के चक्कर में बीवी को भूल गया। हाँ, बीवी से कम ताल्लुकात मोबाइल से ज्यादा था। जब देखेगा मोबाइल, जब देखेगा मोबाइल। और औरतों ने तो शौहर को बुला दिया मोबाइल के चक्कर में। मोबाइल का नशा इतना ज्यादा है। आज हमारे बच्चे फेल हो रहे मोबाइल के चक्कर में। हमारे बच्चों का जो रिजल्ट आ रहा है, आप देखिए यूपीएससी में कितने मुसलमानों के पास हुए, आप बताइए तो कितने लोगों को मालूम। सिर्फ 21 यूपीएससी में जो सबसे बड़ा एग्जाम है, 21 बच्चे पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम सिर्फ 21। आप अंदाजा लगा सकते हो मेरे भाइयों, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 21। कहां जा रही है, कहां डूबी हुई है ये कौम। इस कौम को कौन बचाए, इस कौम का मसीहा कौन बने, इस कौम को कौन कौन रहकर बने। मेरे भाइयों, खुद को आपको बचाना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। ला नबी बाद अल्लाह के नबी फरमाते मेरे बाद अब कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर नहीं आएगा। अब मेरे बाद कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल नहीं आएगा। बिगाड़ की एक वजह मोबाइल है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल बंद करो। कम से कम बच्चे 10 वाले बच्चे को और मैट्रिक वाले बच्चे को मोबाइल से दूर रखो। हाँ, इस्तेमाल तो घर के अंदर मोबाइल कोई चीजें देखना है तब देख लीजिए, लेकिन मोबाइल घर के अब मोबाइल देख के भेज दिया काम पे जंगल के अंदर। इधर एक जगह है कर्माटांड की तरफ, मोबाइल से करोड़पति बन गया, एटीएम मार मार मार। हाँ, करोड़पति बन गया, लेकिन इसको चोरवे न कहेगा, करोड़पति कौन कहेगा, चोर कहेगा। उसका पैसा ना मस्जिद में लगेगा, ना मदरसों में, ना अल्लाह के राह में। वो हज करने के लिए भी पैसों से जाएगा, फिर भी हज कबूल नहीं होगा, वो पैसा हराम है, हराम। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अपने बच्चों को बताओ, हलाल कमाई कमाओ, हलाल तरीका अपनाओ, अपने बच्चों को ये तरबियत दो और अपने बच्चों को ये सिखाना। बिगाड़ चौथी पांचवी वजह यह है कि हमारे समाज के अंदर जो बिगाड़ है, एक वजह है कि दोस्ती, हमारी दोस्ती किन लोगों के साथ, हमारी बेटियों की दोस्ती किसके साथ है, वो लड़की किसके साथ दोस्ती, वो कितने दिनदार है, वो तो दिनदार है ना, जब भी चलती है पूरा अपना होंठ लाल करने में चलती है, दिनदार कैसे हो सकती, पूरा बाल दिखाते हुए चलती है, दिनदार कैसे हो सकती है, जब देखते मोबाइल में बातें करती रहती है, दिनदार कैसे हो सकती है। ऐसी लड़कियों के साथ अपने बहन की दोस्ती क्यों कराते हो, ऐसी लड़कियों के साथ अपने बेटियों को क्यों भेजते हो, और ऐसे ऐसे लड़का जो 24 घंटे इधर से उधर और उधर से उधर 9-5 कर रहा है, कभी मस्जिद का रुख नहीं करता, ऐसे लड़कों के साथ अपने बेटों को दोस्त क्यों मनवा रहे हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रजुल अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मिन खालिन। ऐ भाइयों, हर कोई अपने दोस्त को देख ले। अगर किसी को चेक करना हो, मुझको चेक करना हो तो मेरा दोस्त देखिए, किसी को भी चेक करना हो उसके दोस्त को देखिए। हम नहीं कह रहे कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अर्रजुल अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मिन खालिन। अगर किसी आदमी को चेक करना हो तो ये देखो कि आदमी की दोस्ती किसके साथ है। किसी लड़की को चेक करना हो तो देखो इस लड़की की दोस्ती किसके साथ है। किसी लड़का को चेक करना हो तो देखो इस लड़के का दोस्त कौन है, इसका फ्रेंड कौन है, आपको पता चल जाएगा ये लड़का कैसा है। अगर इसका दोस्त शराब पीता तो आज ना कल एक ना एक दिन ये भी शराब पीने लगेगा। एक दोस्त से ना करता लड़के को चक्कर में लगता है और दूसरा दोस्त पीता रहे। लेकिन अगर दोस्ती ऐसे लड़कों के साथ कर ली जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसके साथ उसके पास भी गर्लफ्रेंड होगी, वो भी जिनाकारी के अंदर डूब जाएगा, वो भी जिनाकार बन जाएगा। इस वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने दोस्तों को चेक करो कि उसके दोस्ती किसके साथ है। अपने सहेलियों को देखो, वो कितने दीनदार है, उनका अगर किसी बॉयफ्रेंड के साथ अगर चक्कर है तो ये दीनदार लड़की भी बॉयफ्रेंड ढूंढ लेगी, वो लड़की भी उसको बॉयफ्रेंड दे देगी। इस वजह से मेरी बहनों, ऐसी लड़कियों से दोस्ती न करो जिनका कैरेक्टर खराब है, जिनकी जिनका कैरेक्टर खराब है, ऐसी लड़कियों से दोस्ती न करो। उनको कह दो तुम्हारी दोस्ती तुम्हें मुबारक, हम तेरे साथ दोस्ती और हम तुम्हें अपना सहेली नहीं बना सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आपका ईमान आपकी जिंदगी के अंदर सबसे कीमती दौलत है, तो दोस्ती किसके साथ। नंबर 5,
हमारे समाज के अंदर बिगाड़ की एक वजह यह है, कुरान हम और आप कुरान पढ़ते नहीं है ना सुनते, पढ़ नहीं सुन तो सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको कुरान पढ़ाना नहीं आता है, मोबाइल के अंदर कुरान अपलोड करके सुन सकते हो। फरमाया ये कुरान लोगों की जिंदगियों को बदलने वाली किताब है, ये कुरान इंसान की जिंदगियों को बदलने वाली किताब है। इस वजह से कुरान की तिलावत करो, कुरान से रिश्ता जोड़ो, ऑटोमेटिकली तुम गलत चीजों से बच जाओगे। कुरान से रिश्ता जोड़ो, लेकिन आज मेरे भाइयों कुरान से नहीं, गानों से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। कुरान से दिल लगाओ। रमजान के महीने में तो कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन 11 महीने में कुरान से कोई मतलब नहीं है। और कुछ लोग कुरान को पढ़ते हैं लेकिन कुरान का तर्जुमा कुछ भी नहीं जानते। कभी आपने पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हमसे क्या कहा? आपका बॉयफ्रेंड का मैसेज भेजता है, उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, जवाब भी दे देते हैं। अल्लाह ताला ने आपसे क्या क्या कभी आप सोचा है? या अय्युहल लज़ीन आमनो कूनु सबरवालीन। अल्लाह कहता है मेरे मोमिन बंदो रब्बा दियो, तुम अपने आप को अपने घर वाले को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह हमसे भी कह रहा, तुमसे भी कह रहा है, ऐ मेरे मोमिन बंदो और बंदियो, ऐ लड़को और लड़कियो, अपने आप और अपने घर वाले को दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह कुरान सूरह तहरीर के अंदर कह रहा है, खुद को और अपने घर वाले को जहन्नम की आग से बचाओ। और अल्लाह के नबी कहते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है जहन्नम की आग कैसी है? वो जहन्नम की चिंगारी, उस जहन्नम की चिंगारी कल का सर फरमाया एक महल की तरह उसकी चिंगारी है। जहन्नम की आग का सामना कैसे कर सकते हो जबकि तुम दुनिया की आग का सामना नहीं कर सकते हो? तो जहन्नम की आग का सामना कैसे करोगे मेरे प्यारे साथियों? अल्लाह ताला ने कुरान में ऐसी बातें बताई है, लेकिन हम कुरान तो पढ़ते हैं, नारा किया तो पढ़ते हैं, लेकिन हम तर्जुमा और मफहूम से बिल्कुल ज्यादा दूर रहे हैं। हमें मालूम ही नहीं कि कुरान के अंदर क्या पढ़ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, कुरान से रिश्ता जोड़ो। नंबर 7, हमारे अंदर बिगाड़ की एक वजह यह है कि नमाज से दूर है। आपकी मस्जिद के अंदर कितने नमाजी हैं? इमाम साहब बता देंगे। और बहुत से लोगों से पूछ लिया जाए अजान फजर में कब होती है, अल्लाह की कसम 90% लोगों जो ने बता सकेंगे फजर की अजान कितनी बजे, ये मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ, फजर की अजान कितने बजे होगी हो बता सकेंगे। क्यों? क्योंकि उसको फजर में थोड़ी उठना, उसको 8 बजे उठना है, 9 बजे उठना है। क्यों? 11, 12, 1 बजे तक मोबाइल चलाएगा, फ्री फायर गेम खेलेगा और ना जाने क्या, जब तक नेट खत्म नहीं कर लेगा। आज समझता है नेट 1.5 GB मिला ये खत्म करना फर्ज है, सुन्नत नहीं, फर्ज है। जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक सोएगा, और जाहिर सी बात है 12 बजे तक नहीं सोएगा तो सुबह में कैसे उठ पाएगा? 12 बजे तक नहीं सोएगा फजर में कैसे उठेगा? और फजर में नहीं उठेगा तो फजर की अजान कब होती है, नमाज कब होती है, उसको क्या क्या फजर के अंदर 2-4-10 लोग बुजुर्ग आपको मिलेंगे, 2 मौलवी आपको मिल जाएंगे, बाकी हमारे ये नौजवान नस्ल कहाँ है? हमारी ये नौजवान नस्ल लड़कियां कहाँ गई जो सुबह के वक्त लड़कियों की आवाज आया करती थी कुरान पढ़ने की आवाज? आज गलियों से गुजरो ऐसा लग रहा कब्रिस्तान बना बैठा है, हमारा मोहल्ला कब्र बन गया है, आवाज नहीं आती कुरान की आयत की। मेरे प्यारे साथियों, फरमाया नमाज इंसान को भी हयाई और बुराई से रोक देती है। इस वजह से नमाज की पाबंदी खुद करो, अपने घर वाले को कराओ, अपने बेटियों को कराओ और अपने बेटों को कराओ। ये नमाज की पाबंदी कहाँ से कराओगे? बाप ही देती है। हाँ, बाप नमाज में पढ़े तो कौन मारे? दादा तो कब्र में लेटा हुआ है। और पोता नमाज में पढ़े तो कौन मारे? कौन मारे? बाप ही नमाज नहीं पढ़ा बेटे को क्या मारेगा? माँ ही नमाज नहीं पढ़े बेटे को क्या मारेगी? हालांकि कुरान अल्लाह के नबी ने फरमाया, मोर औलाद अंदर सलात को मां बनाओ, सबर से नीर वजर को मां बनाओ, असर से नीर। जब बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज पढ़ने का उसको मस्क कराओ, प्रैक्टिस कराओ, तरतीब करो, कर चलो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज। जब बच्चा 7 साल का हो तब तुम उसको प्रैक्टिस कराओ, तुम नमाज पढ़ो, उसके लिए भी मुसल्ला बिछा दो। ये नमाज इन नमाज के बारे में बताओ, अस्सलातु
मदाहुल जन्ना आई मेरे बेटे यही जन्नत की है, यही जन्नत की चाबी है। अगर नमाज पढ़ोगे तो जन्नत का दरवाजा खोल पाओगे, ताला खोल पाओगे। नमाज में तो जन्नत के अंदर एंट्री भी नहीं है, इस वजह से मेरे बेटे नमाज पढ़ पढ़ 7 साल के उम्र में जब इसको तल्कीन कराओगे, तरबियत दोगे और धीरे धीरे मश्क कराओगे, 10 साल की उम्र में वो मश्क भी कर लेगा और 10 साल में अगर नमाज न पढ़े पढ़े तो हदीस के अल्फाज है वज़ल बिकूम अलैहा, जब 10 साल में नमाज न पढ़े तो उसको मार मार करके नमाज पढ़ाओ। ये नबी की हदीस कहते हो रग रग में नबी 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 की हदीस के ऊपर कौन अमल कर रहा है? और करो हमारे 10 साल 12 साल की बच्चियां के घूम रही है, हमारे 10-12 साल के लड़के बाकायदा बालों की कटिंग करवा सकते हैं, चौराहों में बैठ बैठ के मोबाइल को चला सकते हैं, लेकिन आजान सुन करके आजान का जवाब नहीं दे सकते, ये नमाज की पाबंदी नहीं कर सकते। मेरे भाई क्यों बच्चों को हमने तरबियत ही नहीं दी नमाज पढ़ने की और रसूल की हदीस पर अमल ही नहीं? 6 बात हो गई, ये बिगाड़ कि हमने ये नहीं किया। अब इसका इलाज आपको बता दूं, इलाज क्या है? ऐसा नहीं है कि हम कोई पुड़िया दे दें आप खिला दें अपने बच्चों को ठीक ठाक हो जाए, कोई सुई दे दे कोई इंजेक्शन दे दे और आप अपने बच्चों को लगा दे ठीक ठाक हो जाए, नहीं। इलाज हम आपको इलाज नहीं बताएंगे, जो इलाज जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी बताया था वही इलाज बताएंगे, जो इलाज जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया था वही इलाज हम आपको बताएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था इलाज के तौर पर, आपने बताया था सुनो ऐ नौजवानों, सुनो ऐ नौजवानों सुनो, अगर तुमको अपने बुराइयों से बचना है, अगर तुम्हें गलत कामों से बचना है, अगर तुम जवान हो चुके हो तो या माशर शबाब मन इस्तता मिन कुमल बाब फलतजवज, अगर जवान तो शादी करो, 4-5-10 जगह तुम्हें मुंह मारने की जरूरत नहीं है, अगर जवानों ताकत रखते हो खिलाने पिलाने की और बीवी का हक अदा करने की, निकाह करो और शादी और निकाह करने का अगर ताकत नहीं रखते हो, अल्लाह के नबी ने उसका भी इलाज बताया और आपने फरमाया अगर तुम निकाह नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हारे साथ जिससे ख्वाहिश मिटाने की ताकत है लेकिन खिलाने पिलाने की ताकत नहीं है, अल्लाह के नबी फरमाते रोजा रख लो, अगर तुम अगर निकाह नहीं कर सकते हो और तेरी नजर लड़कियों में जाने लगे, ऐ लड़कियों अगर तुम्हारा निकाह नहीं हो पा रहा है और तुम्हारी नजर भटक रही है कभी इस लड़के के ऊपर कभी उस लड़के के ऊपर, कभी इससे चैट कर रहे हो कभी उससे चैटिंग कर रहे हो, कभी इससे बातें कर रही हो कभी उससे बातें कर रही हो, कभी यहाँ मिलने जा रहे हो कभी वहाँ मिलने जा रही हो, कहोगी कि मौली साहब मेरा बाप गरीब है मेरी शादी नहीं हो पा रही है, अब हम अपनी ख्वाहिश मिटाने के लिए अपनी सेक्स मिटाने के लिए हम ये हरबा इस्तेमाल करने मजबूरी है हमारी, अल्लाह के नबी ने इसका भी जवाब दिया है और इसका भी इलाज बताया है, अगर निकाह तुम्हारा ना हो तो तुम रोजा रख लो। क्या इलाज बताया? रोजा रख लो। नौजवान लड़कों और लड़कियों सुनो ध्यान से, निकाह नहीं हो पा रहा मजबूरी है, जहेज के दौर में नहीं हो पा रहा, क्या करेंगे? जनाकारी करेंगे? नहीं तो फिर क्या करेंगे? ऐसे वक्त में क्या करें नौजवान लड़के और लड़कियां? अल्लाह के नबी फरमाते हैं रोजा रख लो, एक रोजा दो रोजा तीन रोजा चार रोजा, ये रोजा तुम्हारी शहवतों को तोड़ देता है, तुम्हारे सेक्स पावर को खत्म कर देता है, जिस तरीके से ये तुम्हें गलत कामों से रोक देता है, ये रोजा तुम्हें शहवत को मिटा देता है, तुम्हारे गलत कामों से तुम्हें रोक देता है, जब इंसान रोजा रखेगा उसके अंदर से कमजोरी आ जाएगी, उसकी नजरें उन चीजों से महफूज रहेगी। मेरे प्यारे साथियों गौर करो करो कि प्यारा इलाज जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, लेकिन हम और आप गर्लफ्रेंड पे रख सकते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते, देख रहे हैं बहुत से लड़कों को देखिए अभी का निकाह करेंगे अभी शादी करेंगे अभी हम बच्चे हैं अभी बच्चे हैं शादी कर दो कई बच्चे के बाप बन जाए बोलते भी हम बच्चे हैं। गौर करो मेरे भाई सोचो 24-18-28-38 साल का लड़का कहता भी हम बच्चे
बच्चे मेरे प्यारे साथियों, अभी हम निकाह कहाँ करें, निकाह के अंदर निकाह में देरी मत करो और निकाह को आसान बनाओ। बहुत आसान और सिंपल तरीके पे अगर कोई लड़की पसंद ना आए उसके घर में अच्छे मुलाकात करो और कहो मैं तेरी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ और बगैर किसी जायज के और बाकायदा सुन्नत के तरीके पे निकाह कर लो, मिसाली निकाह करो। मेरे प्यारे साथियों, उस निकाह के अंदर बरकत है जिस निकाह के अंदर कम खर्चा होता हो, उस निकाह के अंदर बरकत है जिसके अंदर कम खर्चे होते हो। लेकिन आज हमारे यहाँ बरकतें खत्म हो रही है क्योंकि निकाह में बहुत खर्चे, इतने इतने बाराती, शादी करने वाला शादी कराने वाला नहीं है तो कर्जा ले लेके जाता है। उसकी बेटी में इतना कुछ किया, मेरी बेटी भी नहीं करेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये चक्कर है मेरे भाइयों। तो अगर इन नौजवान लड़कों के अंदर बेदारी लानी है तो नौजवान अगर लड़के और लड़कियां हैं ताकत रखते शादी करने की, सबसे पहले शादी कराओ। और अगर ये ताकत नहीं है उन लड़कों को मेरा पैगाम है, रोजा अल्लाह को बहुत पसंद है और एक रोजा सबरीन करीबन, एक रोजा इंसान को 70 साल जहन्नम से दूर कर देता है। ये है रोजे की अहमियत मेरे भाइयों। आप ये कोशिश करें कि अपने आप को जिनाकारी साड़ी चाहिए। नंबर दो, समाज के अंदर अगर सुधार चाहिए तो दूसरा इलाज चाहिए, अगर सुधार करना है तो दूसरा इलाज ये है कि आप गार्जियन अपने जिम्मेदारी को निभाएं। आपकी जिम्मेदारी क्या है, सिर्फ कमाने की जिम्मेदारी है। शौहर सुबह के अंदर कमाने गया, शाम में आया, उसको मालूम नहीं बेटी क्या कर रही है, उसको मालूम नहीं बेटा क्या कर रहा है। अब माँ की जिम्मेदारी है कि बेटी क्या करती है, बेटा क्या करता है, पूरी खबर माँ अपने 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 हस्बैंड को दे। तेरा बेटा ये करता, तेरी बेटी ये करती है, तेरी बेटी छत पे जाती है, मैं कहती हूँ मना करती हूँ लेकिन मानती नहीं है। कोशिश करो अच्छी माएं बनो मेरे प्यारे साथियों, अच्छी माएं बनोगी तो तुम्हारी अच्छी बेटियां बनेंगी। जहां तुमने थोड़ी राहत दे दी, छोटा सा आपने गैप दे दिया, बहुत बड़ा वो दरवाजा बन जाएगा और उसी दरवाजे से इतना दूर निकल जाएगा कि वापस नहीं आ सकती है। इस वजह से सख्ती करो, जब बच्ची जवान है उसके ऊपर ज्यादा नजर होनी चाहिए। तेरी बेटियां तेरी जिंदगी में बहुत बड़ी कीमती दौलत है, उसकी हिफाजत करो। लड़कों के ऊपर भी कंट्रोल करो और लड़कों को भी बताओ मेरे भाई पहले के नौजवान कैसे कलमा के नजर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के बारे में बताया, अगर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में बहुत ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। अगर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फजर की अगर रात की तारीख की वाली नमाज पढ़ने लगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे, बहुत प्यारे हो जाएंगे अल्लाह की नजर में। डायरेक्ट नहीं कहा, किसी से कहा ये बात, किसी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर को कह दी कि अल्लाह के नबी कह रहे थे अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो आप बहुत प्यारे हो जाएंगे अल्लाह की नजर में। उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कभी भी रात में सोना गवारा न किया, बगैर तहज्जुद पढ़े हुए कभी वो सोया नहीं करते थे। वो जवान थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस सुनी फौरन अमल कर लिया। इतनी लंबी चौड़ी तकरीर सुनने के बाद तुम नंबर दो, ऐसी तकरीर उन्होंने की, बहुत अच्छी तकरीर की, नंबर नहीं चाहिए मेरे प्यारे साथियों। नबी की हदीस सुन रहे हो, अल्लाह के नबी को क्या पसंद है, अल्लाह के नबी को नबी की ताकत बड़ी पसंद है। नबी ने फरमाया मनाता नहीं दफर जन्नत, जो मेरी ताकत करेगा वो जन्नत के अंदर जाएगा। मनहबा सुन्नती पापद हब्बनी, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। नबी की सुन्नत दाढ़ी रखना है, नबी की सुन्नत बैठ करके खाना पीना है, नबी की सुन्नत अपनी आंखों को नीचे रख करके चलना है, नबी की सुन्नत हराम चीजों से बचना है, नबी की सुन्नत हलाल कमाई कमाना है, नबी की सुन्नत औरतों की इज्जत करना है, नबी की सुन्नत। नबी ने किसी लड़की का ना कुछ ना गवारा ना किया, तुम अपने गर्लफ्रेंड से हाथ कैसे मिला लेते हो, अपने बॉयफ्रेंड से तुम तो बाबा तुम बाहें पे बाहों को मिला लेते हो और बंद कमरे के अंदर मुलाकात कैसे कर रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, नबी की सुन्नत ये नहीं है, नबी की सुन्नत ये है कि निकाह करो,
सुन्नत ही, ये नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत के ऊपर अमल करो। फरमाया मन हब सुन्नति फकद हबनी व मन हबनी कान मअय्या फिल जन्नत, जो मेरी सुन्नत के ऊपर मोहब्बत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी जिंदगी में गौर करें कि नबी की सुन्नत से हम पूरे के नबी की सुन्नत से करीब है। खुद गौर करें, आप दाढ़ी नहीं है, बूढ़े हो चुके हैं लेकिन रोज चिल्लाए क्यों? अब किसको, अब किससे शादी करनी है? बूढ़े बूढ़े को हो चुके हो यार, अब क्या कर रहे हो ये काम चिल्ला चिल्ला कर? बुजुर्ग वो भी सफेद बाल निकल रहे हैं, दूसरी शादी करने का इरादा है मेरे भाई को समझ में बात नहीं आती है। किसकी सुन्नत, किसकी सुन्नत तुम अदा कर रहे हो? गौर करो मेरे भाइयों, तो इन पहलुओं के ऊपर नजर दौड़ाने की जरूरत है। और आखिरी बात बात खत्म करता हूँ, इलाज जो है वो इलाज ये है कि अपने बच्चियों को और बच्चों को दीनी तालीम, दीनी तालीम अपने कम से कम अगर 10 आलिमा इस गांव से बन जाए, 10 हाफिजा इस गांव से। लेकिन बहुत से लड़कियों को मैंने ऐसे देखा है कि पढ़ लिख लेती है, ज्यादा घमंडी करने लगती है, तकब्बुर उसके अंदर ज्यादा आ जाता है। कुछ मौलवियों के अंदर देखिए तकब्बुर ज्यादा है। मुझे समझ में नहीं आता तकब्बुर किस बात पर। आप स्टेज में नहीं, स्टेज के बाहर मुझसे कभी मुलाकात कीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा अभी कलाम सलफी। इतने सारे मिजाज में रहने की कोशिश करता हूँ मैं, कोई बड़ाई नहीं, किस बात की तकब्बुर भाई, तकब्बुर किस बात की? अलम यकुन उत्फतम मिन बनी युमन सुम्म काना अलकतन फखलक फसव्वा। कतरे से तुमको पैदा किया गया, उछलते हुए पानी से तुम्हें पैदा किया गया, हाँ फिर हकीर पानी से तुमको खून का लौटा बनाया गया और फिर इंसान की शक्ल दे दी गई, अब इंसान बन गए हो। अब तेरे पास अगर थोड़े से पैसे आ गए, थोड़ी सी शोहरत आ गई, चल गाड़ियां हो गई, तुम घमंड और तकब्बुर क्यों करने लगे हो? इन बिल्डिंगों के चक्कर में तुम तकब्बुर न करो। अल्लाह तेरी बिल्डिंग नहीं देखता, अल्लाह तेरी गाड़ियां नहीं देखता, अल्लाह तेरा चेहरा नहीं देखता, अल्लाह तेरी खूबसूरती नहीं देखता, फिर क्या देखता? इमाम कायनात कहते हैं अल्लाह तेरे दिल को देखता, तेरे अमल को देखता है। इसके दिल के अल्लाह का कितना डर है, ये कितना मुत्तकी कितना परहेज़गार है, ये अमल के मामले में कैसा है, अल्लाह ताला ये देखता। मेरे भाई और मेरी बहनों, तो आप तो जरूरत उस बात पर हमें और आपको है कि बुनियादी तालीम दीजिए। कुछ है लड़कियां ऐसी लेकिन कम से कम अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए। एक और बात का मैं ऐलान करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जहाँ पे मैं नवादा के अंदर जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, अभी मेरा जिला नवादा बिहार के अंदर जहाँ पे मेरी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ का मैं प्रिंसिपल हूँ, वहीं पे मैंने एक इदारा लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी और पूरे नवादा के अंदर एक भी इदारा नहीं था, मैंने जामिया मुशर्रफ बना खुला है। 17 तारीख की उसकी ओपनिंग थी, 35 बच्चियां 5 दिन के अंदर आई है। और क्वालिटी में आपको बता देता हूँ, सारी चीजें मौजूद है, सीसीटीवी कैमरे के अंदर पूरा कि रूम में क्या पड़ रही है, क्लास में सीसीटीवी कैमरा, बाहर सीसीटीवी कैमरा, और खाना जैसा घर में खाते हैं, ऐसा नहीं उठाने वाला चावल खिला दिया, जो पैकेट वाला चावल हम खाते हैं वही चावल खिलाते हैं। सुबह में रोटी और उसके बाद सब्जी, एक दिन गोश्त एक दिन सब्जी। हम इस तरीके से शेड्यूल हमने बनाया है कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम मदरसे में पढ़ रहे हैं, बल्कि उसको फीलिंग होना चाहिए कि हम मदरसे में नहीं बल्कि घर के अंदर है। हमने अपनी क्वालिटी हमने उसके अंदर रखी है, सिर्फ लड़की ही पास रहती है, लड़की ही काम कर सकती है उसमें, ये मैंने ये क्वालिटी मैंने दी है और एक अलग काम करने की कोशिश की है। सलाउल्लाह मदनी मुंबई की जो है वो सरपरस्त है उसके, और बड़े बड़े आलिम उसके अंदर जुड़े हुए वगैरह। तो मेरे भाई आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर कोई लड़की इस तरीके से है, आप चाहते दीनदार आलिमा वगैरह बनाए हैं, हाफिजा बनाए, तो आप अपनी बच्चियां हमारे लिए दे सकते हैं और आपके घर से अच्छा खाना हम बना करके आप देंगे। पढ़ाई बहुत शानदार है, इन मौलवियों की तरह नहीं जो चंदा उठा उठा करके अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो काम किया है और आने वाले वक्त को पता
چلے گا آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم بنیادی تعلیم دینے کے لیے توفیق عطا فرمائے. مجھے بہت کام ہے, میں ہمارے محترم منظور صاحب اور کون کون یہاں کے نوجوان لڑکے تھے ان لوگوں نے ریکویسٹ کیا, ان کی محبت میں آ چکا ہوں میرے بھائیوں, اور آپ کو پھر نکلنا پڑے گا نوادا کیونکہ میری ڈیوٹی ہے وہاں کا, میں پرنسپل ہوں اور کل ہماری بہت اہم میٹنگ ہے, اس وجہ سے آپ کے یہاں میں رک نہیں سکتا اور زیادہ لمبی تقریر نہیں کر سکتا ہوں. ان شاء اللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے یہاں آنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں زندہ رکھے, اسلام کے اور ان کے پر زندہ رکھے, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.